Shreyas Talpade is so overwhelmed with the success of his Marathi debut production Poshter Boyz that he's not only planning to make a sequel of the film but also a franchisee just like hit Golmaal series by Rohit Shetty. Besides, Poshter Boyz will also be remade in Hindi. Watch Shreyas talk about his planning of Poshter Boyz sequel and other stuff here. So what are the plans like? How are you just make it a booming? Well, right now, in fact, the way it's going, I just hope that it continues its run like this at the box office for some more weeks to come. Iske baad mein, there have been a lot of friends from the media and Bollywood and Marathi industry who suggested that I should do the script into Hindi as well. So, Hindi mein karne ki bhi shuruaat karenge, lekin filhal थोड़ा एक ब्रेक लेंगे, at least एक महीने भर का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद में हम हिंदी के स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर देंगे. पोस्टर बॉयज के सीक्वल के बारे में भी सोचेंगे. इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंचाइज, जैसे गोलमाल सीरीज है वैसे इसका एक सीरीज बनाने के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन फिलहाल पक्का कुछ भी नहीं है. ये सारे दोस्तों के सजेशंस हैं तो इस पर हम काम करना शुरू कर देंगे, बट राइट नाउ जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय द मोमेंट. वेल, बैक टू बैक श्रेयस से हिंदी, बॉलीवुड और मराठी सिनेमा आप दोनों साथ लेके चल रहे हैं, सो हाउ डू यू जस्ट मैनेज इट? लाइक नीट काम करने में मज़ा आना चाहिए यार, तो फिर सबके लिए टाइम मिल जाता है, सब ठीक ठाक हो जाता है. अगर आपको आप एंजॉय नहीं करेंगे, आप कन्विक्शन के साथ काम नहीं करेंगे, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते. सो आई थिंक जहाँ आर्ट का सवाल आता है वहाँ पर लैंग्वेज मैटर नहीं करती, फिर वो हिंदी हो, मराठी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, यू नो, आप अगर दिल से कोई काम कर रहे हो तो आप कर देते हैं. अगर एक और बात की है तो श्रेयस, आप मराठी सिनेमा के एक ऐसे एक्टर हैं जो कि बॉलीवुड से आए और मराठी सिनेमा को आपने काफ़ी कमर्शलाइज कर दिया है, सो हाउ डू यू जस्ट टेक दिस कॉम्प्लीमेंट? इनफैक्ट मैं मराठी सिनेमा से फिर बॉलीवुड में गया हूँ और अब दोबारा यहाँ पे आके जब फिल्में बना रहा हूँ तो वहाँ पे जो कुछ सीखा है बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ एक्सपीरियंस रहा है, जो सीखा है, वो कहीं ना कहीं मराठी इंडस्ट्री में उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स केप टेलिंग मी कि तेरा प्रमोशन बिल्कुल हिंदी फिल्मों की तरह तू कर रहा है, या तेरा टेकिंग जो फिल्म टेक्निकली हिंदी फिल्म लगती है. सो आई थिंक मराठी ऑडियंस जो हिंदी फिल्में जाके देखती है उनको वैसे विजुअल्स की, वैसे टेक्निक की, वैसे प्रमोशन की आदत हो गई है. सो आई थिंक वो आदत वी शुड ट्राई एंड कंटिन्यू, हमारी तरफ से जितना हो सके हम करते हैं. एंड ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप उसमें थोड़ा सा जोर लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो आप अच्छा प्रमोशन और अच्छी पब्लिसिटी और अच्छी फिल्म बना सकते हैं. ऑडियंस ऑडियंस का तीन तीन चार चार बार जाके फिल्म देखना, यही सबसे बड़ा अवार्ड होता है. एंड ऑफकोर्स जो हमारे बाकी अवार्ड्स होते हैं, इट्स मोर अ पैट ऑन द बैक फ्रॉम द इंडस्ट्री सीनियर्स. सो वो भी हम चाहेंगे कि वो अवार्ड्स भी पोस्टर बॉयज को और एक्टर्स को मिले. तो और अवार्ड कौन नहीं चाहता यार, हम जितने 15 अवार्ड्स हो, 20 अवार्ड हो, जितने अवार्ड हो, हर कोई चाहता है कि सारे अवार्ड उस साल के आपकी फिल्म को मिल जाए. सो ऑफकोर्स मैं चाहूँगा कि हर अवार्ड कैटेगरी में पोस्टर बॉयज को ढेर सारे अवार्ड्स मिले. अभी हाल फिलहाल एक मसला उठा था, सेंसर बोर्ड ने किक मूवी और कुछ इस टाइप के बड़े बजट की मूवीज़ में जो है कुछ काट छाट करने की बात जो आई थी, और उसमें जो है सेंसर बोर्ड के ऊपर लगा था कि पैसा लेके जो है पास कर रहा हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे इसका? अगर क्या मेरे ख्याल से फिल्म रिलेटेड जो कोई बोर्ड्स हो उसमें फिल्म पर्सनालिटीज़ होने बहुत ज़रूरी है. यू नो, जो फिल्मों को समझते हैं, जो फिल्में कर चुके हैं, तो वैसे लोग होने ज़रूरी है, तो फिर ये सारे मसले नहीं आएंगे कि रिश्वत लेना या काट छाट करना. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अरे इसमें क्या गलत कर दिया हम लोग ने, तो जो फिल्म वाला बंदा होगा वो उस आइडिया को, वो उस थॉट को समझेगा. तो अगर फिल्म के पर्सनालिटीज आएंगे ऐसे बोर्ड्स पे, फिल्म रिलेटेड हर कोई बोर्ड पे, तो ये सारे मसले नहीं उठेंगे. जस्ट थिंक ज़्यादा ही नहीं, आई थिंक वो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, बट अगर फिल्म से जुड़ा हुआ बंदा या बंदी कोई वहाँ पे अगर हो तो हमारे लिए काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा. मतलब उनको समझाने में और उनको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, बट बाकी तो मतलब गवर्नमेंट की जो इच्छा, बट हम खाली सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई फिल्म पर्सनालिटी वहाँ पे हो. बॉलीवुड कंट्री रिपोर्ट.